हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्वेस्टिंग एट टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसको बेसिक कि अगर आप किसी वेबसाइट बनाने में जा रहे हैं और उसमें कुछ अगर यूजर से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसकी सीटी पूछनी है या फिर कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो आप सीटी पूछने के लिए ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर ट्यूटोरियल के साथ बताएंगे। सो गाइस, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो अभी देखते हैं, हम टाइटल में हम दे देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके, रिक्वायरमेंट लिस्ट बॉक्सेस, ओके। उसके बाद हम अगर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें तो इसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे देंगे प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, मतलब कि हम सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं एक यूजर को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सिटी में यहाँ पे बी आर टैग दे दूंगा क्योंकि इसको लाइन ब्रेक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लाना है सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग क्या होता है, जैसे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट टैग का यूज़ किया जाता है। नेम इक्वल टू सेमी कॉलन सिटी पूछने वाला है सेलेक्ट में, सेलेक्ट टैग के अंदर। अभी सेलेक्ट टैग का जो एंड टैग है इसको पीछे ले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ही सारा कंटेंट आने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, तो ऑप्शन टैग की टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑप्शन में दे देते हैं पुणे, सेलेक्ट योर सिटी। पहले हम ये बता देंगे, तो सेलेक्ट के पहले इसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करके इसके सारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ सिटीज़ के नाम लिखता हूँ, जैसे कि पुणे, यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई। तो आप जैसे जैसे जो भी सिटी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आएगी। तो आप पूरा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ में आएगा। ओके, जयपुर लिख देते एक और इसके बाद हम लिख देते हैं बेंगलोर लिख देते हैं। ये जो सारी सिटी लिखी है, अब इसमें कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आएगी अगर आप नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूँ कि हम आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा देते हैं इसका, सो लाइव प्रीव्यू। तो हम देखेंगे कि इस तरह से हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी। एज यू कैन सी ऑन माई डेस्कटॉप स्क्रीन प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, और ये देखिए हमारी जो भी सिटीज़ थी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो पुणे, मुंबई, जयपुर और बेंगलोर, यहाँ पे जो भी मैंने, लेकिन ये अभी तो कॉर्नर में आ रहे, तो मुझे चाहिए ये सारी सेंटर में। तो सेंटर पे के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक मैं ले लूँगा डिव लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले मैं तो इसको हेडिंग दे देता हूँ, प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, एक हेडिंग में डाल देता हूँ। तो हेडिंग में डालने के बाद अलाइन देता है इस हेडिंग को, और इस ऐसा करते हैं तो इस केवल हेडिंग ही वहाँ पे जाएगी, लेकिन हम इसके लिए डिव ले लेंगे अलग से। अब देखेंगे तो प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स इतना आप अवॉइड करना है, इतना मीनिंग्स में हम आप जस्ट समझा रहे हैं आपको। अब मैं एक डिव लूँगा और डिव को मैं कर दूँगा एक इसको मैं सेंटर में दे दूंगा, क्योंकि पूरा अगर डिव ये नहीं एक पूरा कंटेनर है, जिस डिव क्लोज टैग के अंदर जो डिव में अगर जो भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो वो सारे इस कंटेनर पे ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो हम यहीं पे आप डिव को एंड करेंगे और डिव में दे देंगे एट्रीब्यूट देंगे अलायंस सेंटर, ठीक है। अलायंस सेंटर देने के बाद ये सारा जो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई ये बीच में चल जाएगी, यानी सेंटर में चल जाएगी। मैं जो कंट्रोल एस करके देख देता हूँ क्या अभी आ रही है, यस, एज यू कैन सी ऑन माई डेस्कटॉप स्क्रीन ये पूरा कंटेंट हमारे डेस्कटॉप के सेंटर में आ गया। तो हम यही तो चाहते थे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सारा सोर्स कोड चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मेरी वेबसाइट पे ये डाल दूंगा। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।